वक्त मामले से जुड़ी आपको ये भी खबर बता दें कि कांग्रेस से जुड़ी खबर मिल रही है, बिल का विरोध कांग्रेस करेगी। कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने नोटिस दिया है, लोकसभा में नोटिस दे दिया गया। वक्त अधिनियम संशोधन विधेयक का विरोध करने के लिए नोटिस जो है वो फिलहाल दे दिया गया था। वक्त वोट बिल आ गया और इसको लेकर अब कई सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं और विरोधी पार्टियां जो है वो यहां पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से विरोध इसका किया जाएगा। बाकायदा एक नोटिस जो है वो भी यहां पर दे दिया गया है। संपत्ति को जैसे चाहा वैसे अपने यहां इंदराज कर लिया, उसके बाद उसकी सुनवाई भी अपने ही अदालत में शुरू कर दिया, उन्होंने एक अदालत भी अपनी लगाना शुरू कर दी, तो उसको लेकर पूरे देश में लोगों को परेशानियां हुई। बहुत सी ऐसी संपत्तियां थी क्योंकि अपार शक्तियां दे रखी थी कांग्रेस की सरकार में, वक्फ बोर्ड में इस शक्तियों का दुरुपयोग इतना हुआ कि आम जनता उससे परेशान हुई और मुसलमानों का तो इससे कोई लेना देना रहा ही नहीं। जितने कांग्रेस के लोग थे वही उसमें मेंबर बन जाते थे, वही अध्यक्ष बन जाया करते थे, उन्हीं लोगों को वो दे ही देते थे और पूरा सरकार कांग्रेस की उनको संरक्षण देती थी जहां जहां राज्यों में इनकी सरकारें होती थी, तो उससे कोई फायदा हमारे मुस्लिम समाज को नहीं होता था। और जो भी संपत्ति ये लोग चाहते थे अपने कब्जा करना होती थी, उसको वक्फ में ले आते थे और वक्फ में लाकर कब्जा कर लेते थे और उसके बाद मनमाने तरीके से वक्फ बोर्ड से खुद ले लिया करते थे। तो इसलिए जो मनमाने ढंग से चले वक्फ बोर्ड और उनको मनमानी प्रदान की थी कांग्रेस ने, ये एक चुनौती का परिचय है। क्योंकि जिस तरह से किसी एक धर्म विशेष के काम करने के लिए जानी जाती है कांग्रेस, अगर उनको मौका मिलता है कि अगर कल को वक्फ बोर्ड ये दावा करता कि ये सांसद सदन मेरा है, तो हो सकता है कि संसद सदन भी कांग्रेस उनको दे देती कि ठीक है आप कह रहे हैं तो ये आपका है। तो इतनी शक्तियां उन्होंने दे दी थी, इतनी शक्तियां तो दुनिया के किसी देश में नहीं है, सऊदी अरब में नहीं है, ओमान में नहीं है, इतनी शक्तियां नहीं है कि वक्फ बोर्डों को और हमारे देश के अंदर किसी भी संस्था को वक्फ बोर्ड से ज्यादा शक्तियां नहीं प्रदान की हैं हमारे किसी भी संविधान में हमारे। तो इसलिए ये जरूरत थी, पूरे देश की मांग थी कि यहां पर अमेंडमेंट आए वक्फ एक्ट में, क्योंकि जो लोग परेशान हैं। अब आप देखिए, एक सीधी सी बात है कि साउथ में, तमिलनाडु में एक गांव है जो हिंदुओं का गांव है, वहां पर कोई मुसलमान नहीं रहता है, तमाम मंदिर हैं वो वक्फ दर्ज कर दी गई, वक्फ बोर्ड में दर्ज कर दी गई, ऐसे ही। और जो लोग विरोध कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है। तो मोहसिन रजा को आप